हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, मैं एकदम रेडी हूँ, तैयार हो गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कहाँ जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज जा रही हूँ मैं लखनऊ, हस्बैंड को लेके जाना है दिखाने के लिए हॉस्पिटल में। तो फिलहाल अभी वही के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी आप लोग से बात भी कर ली जाए और अपने वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाए, नहीं तो ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा और रिकॉर्डिंग का टाइम भी नहीं मिलेगा। और अगर एक बार रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है ना, तब ये रहता है कि हाँ चलो थोड़ा सा भी कुछ मिलता है ना, ये होता चलो रिकॉर्ड होता रहता है उसमें भी। और ना फ्रेंड्स, अभी आज मुझे हस्बैंड के साथ साथ मुझे अपने आप को भी दिखाना है, इसलिए ना मुझे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि मेरे दांत में प्रॉब्लम हो गई है, और ना क्या कहते हैं, एक मिनट, तो वो ना मेरे दांत में दिक्कत आ गई है। पहले मेरे दांत में मैंने एक फिलिंग कराई थी अपने दांतों में, तो काफ़ी टाइम से ठीक ठीक चल रहा था ना, आज से करीब 10-15 साल पहले ही कराई थी, और अभी तक से बिल्कुल ठीक चल रहा था। अभी 3-4 दिन पहले ना ऐसे ही पता नहीं कुछ खाते समय क्या ऐसा हुआ, वो दांत ना मेरा आधा जो दांत है वो एक तरफ से थोड़ा सा क्रैक हो गया, जिसकी वजह से ना बहुत इसमें पेन है और दिक्कत भी हो रही, खाना भी नहीं खाया जा रहा उधर से। तो अभी ना मुझे इसको भी दिखाना, हालांकि ट्रीटमेंट मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है इसका, लेकिन वही है ना कोरोना और लॉकडाउन की वजह से डेट कैंसिल होती गई, और फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा लापरवाह हो गई। हाँ, क्योंकि काम चल ही रहा था ना मेरा, बट अब है जो अब काम चलने वाला भी नहीं रह गया है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी आज मैं ले लिया है अपॉइंटमेंट मैंने अपना भी डेंटल का, तो फिलहाल अभी हम लोग तैयार हो गए और गाड़ी भी आ गई है। तो कितना भी यार सुबह सुबह उठो ना, कितनी भी तैयारी करो, फिर भी हो ही जाती है देर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हो जाती हूँ तैयार, मिलती हूँ आप लोगों से मैं कुछ देर के बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं, और गाड़ी जो है गाँव से अब बाहर की ओर जा रही है ना, तो मैंने जब ये देखा ना व्यू, तो मैं कहा चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ खेतों का। और अभी खेतों में गेहूं की जो है बुआई हो गई है ना, देखिए छोटे छोटे आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन, ये वही है। और कोहरा देखिए, काफ़ी आज कोहरा भी पड़ रहा था, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना। और फिर हो गई हो ना, दिसंबर है, दिसंबर की वो भी 15 तारीख हो गई ना, आधा बीत गया है दिसंबर। तो अभी फ़िलहाल ये तो ठंड तो पड़नी ही पड़नी है। और ये जो है ना हमारे गांव का ही व्यू है ये पूरा। तो अभी धीरे धीरे जो गाड़ी है वो गांव के बाहर की तरफ जा रही है अभी। और ये देखिए, ये है आम के पेड़, अभी फ़िलहाल आम का सीज़न नहीं है ना, नहीं तो इन पे आम लगे रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में इन पेड़ों को। और अभी भी ना आप लोगों को गाँव में कुछ कुछ कच्चे मकान और वैसे जो पुराने ज़माने टाइप के होते थे ना देखने को मिल जाएंगे, बट अभी बहुत कम हो गए हैं। अब तो गांव और शहर में कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलता, सब एक सा हो गया है। और ये देखिए अभी हम जो हमारा चौराहे वाला घर है ना, हम वहाँ पर आके खड़े हुए हैं। तो ये देखिए मेरी सास है, आई हुई है मिलने, गाड़ी खड़ी हुई थी ना तो आई हुई थी, तो ये हस्बैंड है मेरे, उनसे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोगों को जो आज का वीडियो है वो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सोचा ना कि आप लोग को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा यहाँ का, तो चलिए आगे लगा देती हूँ फास्ट फॉरवर्ड, और म्यूज़िक लगा दूँगी क्योंकि ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि वॉइस ओवर करने वाला है ही नहीं ज़्यादा कुछ।
फ्रेंड्स अभी ये हम बाराबंकी हाईवे पर गाड़ी रुकी हुई थी ना, तो मैं बाहर आकर खड़ी हो गई हूँ गाड़ी से, तो अभी कुछ काम था ना तो इसलिए भी रुके हुए थे यहाँ पर। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मैं बाहर निकल जाती हूँ, और दांत में देखिए देखिए मेरे पेन हो रहा है ना, तो और हल्की फुल्की सूजन भी है ना, तो चलिए देखते हैं। अभी अपॉइंटमेंट तो करा लिया है, देखते हैं काम मेरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स अभी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का व्यू है, ये हॉस्पिटल हम लोग पहुँच गए हैं, और अभी डॉक्टर ने भी देख लिया था इनको, नेफ्रोलॉजिस्ट ने, और फिलहाल इनको ना टीके लगाने के लिए कहा है उसने। तो अभी हम ना वहीं पर आए हुए हैं डॉक्टर के पास, तो अभी इनको जा रहा है टीका लगने, और ये जो टीका है ना हेपेटाइटिस बी का टीका लगना था इनको, तो वही लग रहा है। और ये जो टीका होता है ना, ये इसकी जो पहली डोज होती है, जो दोनों मतलब जितनी भी डोजें लगेंगी दोनों हाथों में लगती है, दो दो डोज लगेंगी, डबल डोज, मतलब दो डोज आज लगेंगी, फिर दो डोज जब सेकंड टाइम लगेगा तब भी इनको दोनों हाथों में लगेगी। तो फिलहाल अभी वही लगा रहे हैं, और साथ के साथ ना पूछ भी रहे थे डॉक्टर साहब कि कोई थेरेपी वगैरह तो नहीं चल रही है इनकी, तो उन्होंने बताया नहीं थेरेपी तो नहीं चल रही है, हाँ मेडिसिन काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, कोरोना का टीका लगा, बट थेरेपी ऐसी कोई चीज़ नहीं है अभी ऐसा। ये देखिए बेचारे इतनी ठंडी में ना, इनको इतने ठंड लगती है इन्हें कि इन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन तीन टी-शर्ट, मतलब टी-शर्ट टी-शर्ट के ऊपर इनर, इनर के ऊपर कुर्ता, इतना सारा ये पहन के गए थे, और वहाँ पर जब इनको उतारना पड़ा ना सारी चीज़ें तो बहुत दिक्कत हुई इनको, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स करना पड़ा। डॉक्टर का कहना था कि नहीं भैया उतारोगे तभी कपड़े तभी लग पाएंगे टीके, तो फिलहाल टीके इनको लग गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी वही सुबह से का टाइम हो रहा है, आठ बज रहे हैं घड़ी में, और अभी हस्बैंड वगैरह मेरे चले गए हैं ना स्कूल, और अभी मैं फ्री हो गई हूँ फ्रेंड्स। कल ना हॉस्पिटल से आने के बाद मैं इतना थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरी फिर हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की, क्योंकि आने के बाद फिर मुझे मैं घर के काम में लग गई, किचन के काम में लग गई थी, खाना वगैरह बनाने में, फिर इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि फिर बात ही करने का मन ही नहीं हुआ। तो अभी मैं फ्री थी ना, तो मैं कहा चलिए मैं पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, फिर अपना आगे का जो भी काम है वो करूँगी फ्रेंड्स। तो ना क्योंकि अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, तो जा रही सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, और फिर उसके बाद बनाना है मुझे खाना वगैरह। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ एक अलग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो देखिएगा ज़रूर वीडियो, और बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से कुछ देर के बाद, और दिखाऊँगी कल मेरे हस्बैंड को टीके लगे थे ना, हेपेटाइटिस बी के टीके लगने होते हैं जो, तो कल उसकी फर्स्ट डोज लगी थी, तो वो मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से कि लगे हैं वो इंजेक्शन। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ अपने किचन में, और बनाने जा रही हूँ लंच, और लंच में आज मैं बनाने जा रही हूँ आज क्या गोभी, और गोभी मिक्स करके दाल बनाने जा रही हूँ, अरहर की दाल में गोभी मिक्स करके, तो उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी फ्रेंड। तो ये देखिए तड़के के लिए मैंने जीरा लिया है, हींग लिया है, हरी मिर्च ली है, टमाटर लिया है, और अरहर की दाल मैंने धोकर साफ़ करके रख ली है, गोभी काट कर साफ़ करके रख ली है। तो अभी मैंने कुकर में ना तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए, और जब मेरा तेल उस गर्म हो गया ना, तो उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, हींग और हरी मिर्च कटी हुई। तो जब ये अभी कुछ आज पकी हो जाएंगी ना, तो और मैंने फ्लेवर के लिए इसमें डाला है तेज़पत्ता, क्योंकि तेज़पत्ते से इसकी जो महक होती है ना दाल की थोड़ी सी और अच्छी आ जाती है, स्वाद बढ़ जाता है। तो अभी बस मेरा जो भी तड़का था वो हो गया है, अब इसमें डाल दूँगी पहले गोभी, और गोभी को मीडियम फ्लेम पर मैं अच्छे से क्या नाम फ्राई करूँगी। फ्राई करने का मतलब ये नहीं है क्योंकि मैंने ढेर सारा तेल डाला है, जो हम तड़के में तेल डालते हैं ना उसी के अंदर हम इसको भूनना है गोभी को हल्के ब्राउन होने तक। तो और जब हमारी जो गोभी हल्के ब्राउन कलर की हो जाएगी ना, तो उसमें हम डाल देंगे अपने सूखे मसाले,
और सूखे मसालों मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च का लिया है, कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच मैंने, और थोड़ा सा लिया है सब्जी मसाला। तो अभी मेरी गोभी जो अच्छे से फ्राई हो गई है ना, तो अब मैं डाल दूँगी अपनी ये देखिए सूखे मसाले इसमें, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें पानी, जिससे कि जो मेरे मसाले हैं ना वो जले नहीं और पक जाए अच्छे से। तो ये मेरी जो गोभी मिक्स अरहर की दाल है ना, ये काफ़ी खाने में अच्छी लगती है। फ्रेंड्स आप लोग ट्राई जरूर करिएगा इसे बनाकर और फिर बताइएगा कि हाँ कैसी लगी है आप लोगों को खाने में। तो ये देखिए अभी फ़िलहाल इसे मैं जो मसाला है ढककर थोड़ी देर से पकने दूँगी, जिससे कि मेरा मसाला अच्छे से पक जाए। और अभी जो है मेरा जो मसाला है फ्रेंड्स ये देखिए पक गया अच्छे से। तो अब इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग जो है पानी ऐड करूँगी, और ये देखिए थोड़ा सा डाल दो इसके अंदर, अगर आप चाहो तो गरम मसाला डाल सकते हो, और इसके अलावा आप अमचूर डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि इनको नुकसान है ना, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था ये सब चीज़ें। तो आप डालना चाहे ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए अभी सॉरी मैंने दाल तो डाली नहीं थी, हाँ दाल डाल दूँगी अब, क्योंकि गोभी और मसाला मेरा अच्छे से पक चुका है ना, तो उसमें मैंने दाल मिक्स कर दी है। और दाल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाना है, और जब हमारी दाल और गोभी बिल्कुल मिक्स हो जाए ना, तब हम इसमें डाल देंगे अब पानी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। और पानी आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है, आप जैसा खाना चाहें, मतलब कुछ लोगों को बहुत गाढ़ी दाल पसंद होती है, कुछ लोगों को मीडियम पसंद होती है। तो फ्रेंड्स मैं जो है दाल वो मीडियम ही बनाती हूँ, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा बहुत पानी वाली। तो ये देखिए अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पकने के बाद कुछ पानी कम भी होता है ना, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग पानी डालना है इसमें। और फिर उसके बाद अब डाल दूँगी इसके अंदर में अपने कटे हुए टमाटर, मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था कटा, वही कट करके रख लिया था। तो टमाटर मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर इसके बाद मैं इसे ढक्कन लगाकर हमें इसे तीन नहीं कम से कम चार से पाँच सीटी आने तक हमें इसे अच्छे से पकाना है, और फिर हमारी जो दाल है वो बनकर तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। और ये देखिए साइड से मेरे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।